हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीछे हटो, लाए बाजूला, पीछे करो सबको, लाए बाजूला, पीछे हटो, आगे आओ, चल चले, आगे आओ, चलो भाई पीछे। भगत, इसे इतनी बुरी तरह मारा गया है कि ये मर गया। इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम को भेजो और आसपास के लोगों से पूछताछ करो। यस सर। हाँ साहब, मैंने देखा था, लगभग 30-40 लोग थे वहाँ। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मैं उन लोगों का चेहरा नहीं देख पाया साहब, पर इस रोड के किनारे वाले जो दुकानदार है ना, उन लोगों ने जरूर देखा होगा साहब। सर, मैं तो खाना खाने गया था, जब वापस आया तब ये सब पता चला सर। साहब, यहाँ तो ये रोज का है, इतने लोग जमा थे कि किस किस ने उस बच्चे को मारा ये पता ही नहीं चल पाया। अब साहब मैं अपना धंधा देखूं कि ये लफड़ा। आज हम देखने जा रहे हैं मुंबई की एक कहानी जो अपने आप में काफी हैरत अंगेज थी। इस कहानी में कुछ ऐसा हुआ जो आपने पहले कभी ना देखा होगा और ना ही सुना होगा। मुंबई के मलाड इलाके में कुछ लोगों ने अचानक एक बच्चे को चोर समझकर पीटना शुरू कर दिया। इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से चोरी की वारदातों की वजह से लोगों का गुस्सा भड़का हुआ था और इस गुस्से का शिकार बना ये बच्चा और इस मारपीट में उसकी मौत हो गई। आखिर कौन था ये लड़का और क्या सच में उसने कोई चोरी की थी? सर, उस एरिया में कहीं भी कोई सीसीटीवी नहीं मिला। और कुछ पता चला? उस इलाके में पिछले कुछ दिनों में चोरी की कई वारदातें हुई, इसलिए वहां के दुकानदार काफी नाराज थे और इसी नाराजगी के चलते इस बच्चे को पीट पीट कर मार डाला। ये जाने बिना कि इस बच्चे ने चोरी की भी है या नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस चोरी के मामले की आड़ में कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा हो। सर, मार्केट में जहां से उस लड़के की लाश हमें मिली थी, वही लाश के बाजू में ये थैली मिली है जिसमें कुछ मेडिसिन और रिसीट है। सर, किसी मेडिकल शॉप की बिल, किसी गोपाल का नाम लिखा, या तो ये उस मरने वाले बच्चे का नाम होगा या भीड़ में से किसी एक का जो इस बच्चे को मार रहे हैं। फिर शॉप पे जाके पता करो, आई एम श्योर कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। तो वीर, क्यों री, पगार मिला? हाँ मिला है ना, ये ले। करो, दादी कुछ खाने को नहीं देती। अच्छा, अब से मैं जल्दी आया करूंगी, ठीक है? गोपाल कहाँ है? क्यों री, कल मुही पैसे कम क्यों है? अपने यार पे लुटा के आई है। आई मैं घर चलाती, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी अयाशी करे। एक कान के नीचे दूंगा ना, सारी अयाशी भूल जाएगी तू, समझी? दीदी, पैसे तो कम है, जितना बनता है उतना ही दूंगी ना। मैंने तो एक भी दिन की छुट्टी नहीं की, फिर आपने किस बात के पैसे काटे? शुक्र मना, जितना दिया है वो भी बहुत ज्यादा है। रोज रोज जो तू डब्बे भर भर के खाना घर में ले जाती थी ना, वो फ्री का नहीं आता है। पर दीदी, आप तो खाना वैसे भी कचरे में फेंकती हो। बड़ी जबान चलने लगी है तेरी। दीदी, कैसी बातें कर रही हो आप? इतना बड़ा परिवार है मेरा, आप जानती हो। ठेका लेके रखा है क्या मैंने तेरे परिवार का? इतने पैसे में नहीं होता है ना, तो जाके कहीं चोरी कर। इस बच्चे की लाश के पास आपके दुकान का बिल मिला, अब जानते हैं इसे। हाँ साहब, ये बच्चा मेरी दुकान से दवाई ले गया था। अंकल, फीवर है और सर भी बहुत दुख रहा है, कोई दवाई दो ना। हाँ बेटा, एक मिनट, ये देखो, सुबह और रात को खाना खाने के बाद दोनों पत्ते में से एक एक गोली ले, ठीक है? कितने हुए? 80 रुपए बेटा।
अब जानते हैं कि कौन है या कहाँ रहता है? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर इधर आसपास ही कहीं रहता होगा। सर लड़के ने दवाई के पैसे तो दिए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने यही दवाई खरीदने के लिए चोरी की हो सकता है। आसपास के बस्ती में जाके पता करो इस बच्चे को कोई जानता है क्या और वो कहाँ रहता है, और जहाँ उसकी लाश मिली थी आसपास के सभी दुकानदारों को थाने में बुला, शायद उनसे ही कोई क्लू मिल जाए। यस सर। बहुत जवानी चढ़ी है तुझे, सब पता है मुझे, और ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं ये सब। बर्दाश्त तुम लोग करते हो कि मैं करती हूँ? घर में भी बर्दाश्त करो, घर के बाहर भी बर्दाश्त करो। बहुत जबान चलती है तेरी, मनोज कहीं की निकल मेरे घर से। मैं अपने घर से कहीं भी नहीं जाऊंगी। आई तू भी जाएगी, चल निकल। आई मेरा, आई मैं कहीं नहीं जाऊँ, छोड़ दे। आई 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 दरवाजा खोल, आई आई अंदर आने दे, आई मुझे अंदर आने दे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आई दरवाजा खोल। मैंने कुछ नहीं किया साहब, पता नहीं कैसे लोग इकट्ठे हो गए और उसे मारने लगे साहब। सब 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 मैं बता दूं साहब, सब मैं सच कह रहा हूं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो शाम आ रहा था बच्चे को साहब उसकी दुकान पर। चोरी करता है, चोरी करता है, तुझे चोरी लगी, मैंने चोरी की, उसे नहीं छुड़वाऊंगा। चल बेवकूफ समझता है पुलिस को, झूठ बोलता है हमसे। तेरे पड़ोसी गरोड़िया ने बताया कि उस बच्चे ने तेरी दुकान पर चोरी की थी, तूने मारा भी था उसे। देख सच सच बता दे, वरना अपने स्टाइल से भी उगलवा सकता हूँ मैं। साहब वो गरोड़िया झूठ बोल रहा है साहब, वो गरोड़िया के साथ मेरी दुश्मनी है साहब, इसलिए वो मेरे को फंसा रहा है। चोरी तो वो रविंदर की दुकान में हुई थी ना साहब, तो मेरा क्या है? इतनी हिम्मत चोरी करता है? देखो मैं तो दवाई लेने गया था। एक तो चोरी कर दो, बस झूठ बोलता है। चोरी करता तू? मेरी कोई जान लेगी? झूठ मत बोल, तुम ही लोग हमेशा चोरी करते हो। जुबान खींच लूंगी रोया तो, ज्यादा बात नहीं करना, मुंह में ये घुसेड़ दूंगी। चुप, आवाज नहीं, बिल्कुल चुप। तुम लोगों ने अपना सारा गुस्सा उस मासूम बच्चे गोपाल पे निकाला, मार डाला उसे। सब हम लोग काम धंधे वाले लोग हैं सर, ऐसा करके काई को अपना धंधा बंद करवाएगी सर, यकीन कीजिए। बोल सर, मुझे क्या पता था वो लड़का मासूम थे या चोर। कामले मुझे लग रहा है सब लोग झूठ बोल रहे हैं, खुद को बचाने के लिए एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। उस मार्केट में भी कोई सीसीटीवी नहीं है जिससे हम किसी बात को कंफर्म कर सके। हो सकता है कि इस मामले को बस चोरी का मुखौटा पहनाया जा रहा है। सर पॉसिबल तो है, क्योंकि जहां हमें बच्चे की लाश मिली उसके आसपास कोई भी चोरी का सामान नहीं मिला। इस बच्चे के बारे में पता चला? सर अब तक कुछ नहीं, बच्चे के फोटो को हमने आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दिया, लेकिन कोई अपडेट नहीं है। पता नहीं मेरा गोपाल, उसने कुछ खाया भी है कि नहीं। आया दरवाजा खोल। एक शर्त पे तेरे गोपाल का हाल बताऊंगी। मुझे तेरे हर शर्त मंजूर है, आई दरवाजा खोल, मुझे अंदर आने दे। अब पी ये पानी, वरना गोपाल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। पूरा खत्म कर। आई अब तो मैंने तेरी बात मान ली ना, पता मेरा गोपाल कहाँ है? मुझे क्या पता, वो तो तेरे साथ गया था। मतलब आई उसे बुखार था इसलिए मैंने उसे वापस भेज दिया था, वो घर नहीं आया? नहीं, तो पहले बताना चाहिए था ना आई, पता नहीं कहाँ होगा मेरा गोपाल। गोपाल गोपाल दादा, गोपाल को देखा क्या? काकी काकी गोपाल को देखा क्या? भाभी वो गोपाल को देखा क्या? ताई गोपाल गोपाल मैं गोपाल को सब जगह देखा है, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा गोपाल। अरे वो तेरे साथ ही तो गया था ना, तेरे को मालूम होना चाहिए ना, तेरी जिम्मेदारी थी ना। बोली थी ना मैं कि उसको बुखार था इसके लिए वापस भेज दिया था मैंने उसको, पता नहीं कहाँ होगा मेरा गोपाल। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, कहीं जाएगा ऐसा बोला भी नहीं था वो तो। मुझे लगता है थाने में चल के रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। पागल हो गई है क्या? हाँ पागल हो गई हूँ, मेरा गोपाल गुम गया है, नहीं मिला तो पागल ही हो जाऊंगी। गोपाल का घर यही है,
बच्चे को चोर बोल के मार डाला साहब। मेरा बेटा चोर था ही नहीं साहब, वो बहुत अच्छा बच्चा था, वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके बड़ा आदमी बनना चाहता था साहब, अपनी माँ के सारे दुख दूर करना चाहता था साहब। सर बुखार में था इसके लिए दवाई लेने गया था, देख बच्चे को चोर बोल के मार डाला। चोर नहीं था मेरा बच्चा, उसने उसने कभी चोरी नहीं की साहब, उसको चोर बोल के मार दिया, चोर बोल के मार दिया। आखिरकार पुलिस को गोपाल के बारे में पता चला, लेकिन इस खबर के बाद गोपाल के घर में मातम का माहौल था। उसकी माँ का यह कहना था कि उसका बेटा गोपाल कभी चोरी कर ही नहीं सकता। आखिर क्या रहस्य था गोपाल की मौत के पीछे? क्या गोपाल सच में निर्दोष था? और अगर वो निर्दोष था तो लोगों ने उसे निशाना क्यों बनाया? हाँ 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 देती हूँ ना बाबा, काहे को मगजमारी करता है। चल फोन रख, बाद में बात करती हूँ। देवा रे देवा, कितना काम बाकी है अभी। तलाशी ले लेंगे, आपके पास वो सर्च वारंट है क्या? बिना सर्च वारंट के कोई पुलिस वाला घर में नहीं घुस सकता। ठीक है, हम वारंट लेके वापस आएंगे बहुत जल्द। ये बच्चों पे और ये इन पे चोट के निशान कैसे? वो साहब मेहनत मजदूरी करते हैं ना हम, और मेहनत करने पे थोड़ी बहुत चोट तो लग ही जाती है ना। चलो क्या करवाती थी गोपाल से? क्यों आई थी पुलिस? क्यों? पागल हो गए हो तुम? मैं अपने गोपाल से चोरी क्यों करवाऊंगी? मेरा बेटा चोर नहीं था। झूठी कलमोही, जब से इस घर में आई है मनुष्यत फैला दी है। पहले अपने पति को अपाहिज कर दिया और अब अपने बेटे को खा गई। तेरे ही कारण मर रहे गोपाल। राधा के परिवार की हालत वैसे तो पहले से ही कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन गोपाल की मौत के बाद परिवार की हालत बद से बदतर हो गई थी। राधा के ऊपर पूरे परिवार की जवाबदारी थी, क्योंकि घर में कमाने वाली वो अकेली सदस्य थी। गोपाल की मौत की पहेली को सुलझाने के लिए पुलिस ने गोपाल के परिवार के बारे में और गहराई से पता लगाना शुरू किया। मामले जैसा कि तुमने बताया कि राधा के परिवार में वो अकेली कमाने वाली है और खाने वाले छह हैं, कि गरीबी और मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवाती है। शायद गोपाल ने किसी से पैसे उधार लिए और वो चुकाने के लिए उसे चोरी करनी पड़ी। हो तो ये भी सकता है कि राधा और उसके पति का इन दुकानदारों से कोई लफड़ा हुआ, जिसका बदला लेने के लिए इन दुकानदारों ने ही इनके बच्चे को मार दिया। सर वैसे राधा की सास भी कुछ कम नहीं है, बहुत तेज है, हो सकता है उसी की किसी के साथ कोई दुश्मनी हो। ऐसा करो कि इस बस्ती में जाकर गोपाल और उसके परिवार के बारे में लोगों से पता करो, देखो कि लोग क्या बोलते हैं इनके बारे में। गरम फूटे हैं बेचारी के साहब, पूरा घर परिवार चलाती है फिर भी गालियाँ खाती है। वो डायन बैठी है ना, उसकी सास बहुत तकलीफ देती है, और उसका अपाहिज पति
वो भी कम नहीं है, बहुत मारता पीटता है। सर, गोपाल रात को पढ़ता था, दिन में काम भी करता था और हमेशा स्कूल में टॉप मारता था, अपने भाइयों बहनों को भी पढ़ाता था। उस लड़के की माँ या घर वालों को देखा है कभी, या फिर बस्ती में उनका किसी के साथ लफड़ा या कुछ और हो तो याद आ रहे हैं? नहीं पता सर। साहब, राजेश का भाई सुंदर से आप एक बार मिल लो, वो आपको पूरी जानकारी दे सकता है। कि सुंदर कहाँ मिलेगा? यहाँ बस्ती में रहता है। चल। पैसा पड़ लगा? नहीं सर। सर, वहाँ पर एक खोली में से बहुत गंदी बदबू आ रही है। हाँ, कौन सी खोली? चलो सर, बता दो आप। पुलिस अब तक राधा के बेटे गोपाल की मौत की गुत्थी सुलझा भी नहीं पाई थी कि तभी राधा की बस्ती में हुई हत्या की एक और वारदात ने इस मामले को और भी उलझा दिया। क्या जिस महिला की लाश पुलिस को मिली थी उसका गोपाल से कोई लेना देना था? आखिर कौन थी यह महिला और क्यों हुई थी उसकी हत्या? एलईडी टीवी के साथ साथ फ्रिज, एसी और माइक्रोवेव भी है। कमाल है, ऐसी बस्ती में ऐसा घर। किसका घर है ये? विमला, उसका बेटा दुबई में रहता है, यहाँ वो अकेली रहती थी। इसके बेटे का कुछ पता चला, मतलब मोबाइल नंबर वगैरह कुछ? नहीं सर, अब तक तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। जैसे ही पता चले उसे इन्फॉर्म करो कि उसकी माँ का खून हो चुका है। कामले, कहीं गोपाल केस का इस विमला केस से कोई कनेक्शन तो नहीं? विमला ताई, लेकिन उनको किसने मारा? वो तो बहुत अच्छी औरत थी और बस्ती के सारे लोग अपने बच्चों को उन्हीं के पास छोड़कर काम पर जाते थे। साहब, आजा आजा आजा, चल चल, चिंता मत करो, हाँ बैठ बैठ। आप सुंदर को जानती हैं? आपने हमें बताया नहीं कि जिस एरिया में गोपाल का मर्डर हुआ था सुंदर उसी एरिया में एक मोबाइल शॉप पे काम करता है। साहब, मेरे को नहीं पता कि सुंदर कहाँ पे काम करता है, लेकिन आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरे गोपाल को सुंदर ने मारा है? क्या सुंदर गोपाल का मर्डर कर सकता है? साहब, एक नंबर का हलकट है ये सुंदर। जब से वो राधा के मर्द का टांग गया ना साहब, राजेश और बस्ती के सारे लोग उस पर चांस मारते हैं साहब। लेकिन साहब, उसने किसी को घास तक नहीं डाली साहब। पर हाँ, बस्ती में एक दिन गजब का हंगामा जरूर हुआ था साहब। बे, कितनी बार समझा तेरे को इसको परेशान नहीं करने का। हाँ चल निकल। अरे अरे रुकना रुकना, देखा ना कैसे बचाया मैंने तेरे को। ऐसे ही जिंदगी भर सारी मुसीबत से बचाऊंगा तेरे को। देख, ज़्यादा भाव मत का, तेरा पति तो सिर्फ बिस्तर पे लेट सकता है और कुछ नहीं कर सकता। वो नहीं, अकेली रहती है तू, मेरे को अच्छा नहीं लगता रे। आना मेरे पास। सुंदर, मेरा हाथ छोड़। अरे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा तेरे को। अरे चलना, क्या करेगी घर जाके, तेरा मर्द तो किसी लायक बच्चा नहीं रे। ओ सुंदर, कब से समझा रही हो, समझ में नहीं आता, परेशान किया जा रहा है, क्या करने का बोल, क्या करना है तेरे को? ये क्या? यही कर, यही कर तेरे को जो करना है। रुक, ये देख, क्या करने का है, क्या करने का तेरे को, क्या करने का? भाग यहाँ से साले, भाग भाग। उस पर बहुत ज्यादा ही हो गया था, इसके लिए मेरा हाथ उठ गया सुंदर के ऊपर, लेकिन उसके बाद कभी हिम्मत नहीं हुई मेरी। तू खुद ही गई होगी उसके पास अपनी ठरक मिटाने के लिए। मेरे साथ नहीं तो किसी और के साथ तो मन कर रहा होगा ना सोने के लिए, है ना? देख, मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ, वो इतनी घिरी हरकत कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। तूने उसे उकसाया होगा,
ये सब करने के लिए चरण कहीं की कलमोही मेरे भतीजे को फंसाती है। देख आज तुझे और तेरे बच्चों को खाना नहीं मिलेगा। तू और तेरे बच्चे जब भूखे रहेंगे ना तब अकल आएगी। सब सुंदर का विमला ताई के यहाँ पे खूब आना जाना था, उनका राशन पानी भी वही लेके आता था। मौसी ये देखो, पाला गोभी धनिया मिर्ची सारा सब्जी लेके आया हूँ, कुछ भी छूटा नहीं है। अरे तेरे से कभी कुछ छूटा है क्या? क्या मौसी? साहब वो सुंदर भी दुबई जाना चाहता था, इसलिए विमला ताई के आगे पीछे दुम हिलाता रहता था, जिससे उसके बेटे के जरिए उसके दुबई जाने का रास्ता खुल जाए। साहब पक्को बोलो ना मेरे लिए भी दुबई के लिए कुछ करने का जल्दी। उसने बोला कि अगले महीने इंतजाम करेगा तेरे लिए। सच? सच्ची रे। साहब झूठ बोल रहे हैं वो लोग, सब साहब झूठ बोल रहे हैं। मैं परेशान नहीं करता था साहब, उसको प्यार करता था। ए बजरू की औरत, ज्यादा नाटक मत कर। राधा ने तुझे घास नहीं डाला इसीलिए तूने उसके बेटे को मार डाला ना, तू भी था ना उस भीड़ में? नहीं साहब, मैंने उसको नहीं मारा साहब, ये एकदम गलत है सब। मैं कह को गोपाल को मारूंगा। आई शपथ साहब, मैंने नहीं मारा है। तो फिर गोपाल को बचाया क्यों नहीं? लोगों को बोला क्यों नहीं कि वो कौन है? मुझे लगा मैं भीड़ को समझाने जाऊं कहीं मैं ही फंस गया तो। विमला को किसने मारा? मेरे को नहीं मालूम साहब, वो तो दुबई में बात करके मेरे को नौकरी दिलवाने वाले थे साहब। विमला और गोपाल दोनों एक ही एरिया के रहने वाले हैं, तू अकेला ऐसा इंसान है जिसका दोनों के घर आना जाना है, ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। देख सुंदर सच सच बता, अगर एक भी बात झूठ निकली ना बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। तू नहीं मारा ना विमला और गोपाल को? मैंने नहीं मारा है किसी को, मैं काय को मौसी और गोपाल को मारेगा साहब? यकीन करो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया, इसके मुताबिक उसने ना कभी खुद दुबई फोन किया है, ना ही उसे कभी दुबई से कोई कॉल आया है। और बैंक अकाउंट? अकाउंट में ज्यादा पैसे तो है नहीं, और ना ही कोई फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। कामले, इस दुबई वाले एंगल में जरूर कोई गड़बड़ है। विमला के बेटे के बारे में पता करो, और पासपोर्ट ऑफिस से कोऑर्डिनेट करके ये पता करो कि विमला का बेटा दुबई गया भी था या नहीं, और अगर दुबई गया था तो वापस कब आया, क्योंकि हो सकता है कि विमला का खून उसी के बेटे ने किया। योरी, आज तो इतनी जल्दी कैसे आ गई? मालिक के कपड़े प्रेस कर रही थी तो जल गए, दीदी ने काम से निकाल दिए। अरे ये क्या कर दिया तूने? अब हम खाएंगे क्या? ये एक नंबर की पनौती है तू, जहाँ भी जाती है काम बिगाड़ देती है। मेरा गोपाल नहीं है अब, उसी को याद कर रही थी मैं। क्या एक माँ का इतना भी हक नहीं है? बहुत जबान चलती है तेरी। सर्च वारंट। अरे साहब, आपको इस गरीब के घर पे क्या मिलेगा? आप हमें हमारा काम करने दीजिए। ढूंढो पूरे वारंट। से 25,000 मिले। इतने सारे पैसे? कमाल,
घर आपका और आप ही को नहीं पता पैसे कहाँ से आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही लोग गोपाल से चोरी करवाते थे? नहीं नहीं साहब, मेरा गोपाल चोर नहीं था, वो तो बहुत अच्छा लड़का था, वो तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाता था, वो चोर नहीं था साहब। वो हम पता लगा लेंगे, लेकिन तब तक आप में से कोई भी शहर छोड़ के नहीं जाए। चलो सच सच बताई, वो पैसे तेरे ही थे ना? क्या बकवास कर रही है? ए गप्पस, ऐसा कैसा बात कर रही है तू आई से? बोल आई, सच बता, वो पैसे तूने ही छुपा कर रखे थे ना? हाँ चुप कर। आई मैं जानती हूँ, मेरा गोपाल चोर नहीं था, वो पैसे तूने ही छुपा कर रखे थे। हाँ ये पैसे मेरे ही हैं, मैं नहीं छुपाए थे। और क्या करती, मुझे अपना भी तो सोचना था ना, कल को तू मुझे अपने घर से बाहर निकाल दे तो मैं कहाँ जाऊंगी, किसके आगे हाथ फैलाऊंगी? पर मैंने ये चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। और पुलिस को लगा कि मेरा गोपाल चोर है, मेरे गोपाल ने वो पैसे चुरा कर रखे। चल आई, चल पुलिस के पास, चल सच सच बता दे उन्हें। छोड़, पुलिस को बुलाएगी, मुझे बदनाम करेगी। रुक जा, रुक जा तू। क्या किया तूने आई के साथ? आई विमला के बेटे को तुमने आखिरी बार कब देखा था? साहब विमला ताई इस मोहल्ले में 5 साल पहले रहने आई थी। 5 साल पहले? हाँ, आज तक उसके बेटे को कभी किसी ने नहीं देखा। वही हमेशा बोलती रहती थी कि मेरा बेटा दुबई में ये कर रहा है वो कर रहा है। क्या बात है विमला ताई, नया टीवी लाए आप? हाँ दीपक ने कहा आई मैं पैसे भेजता हूँ नया टीवी खरीद ले, LTD। LTD नहीं, LED टीवी बोलते हैं उसको, LED। हाँ हाँ वही वही, अच्छा है ना? पेशेंट के सर पर काफी गहरी चोट आई थी जिससे उनका काफी खून बह गया, इसीलिए पेशेंट की मौत हो गई। आई चलो आई। साहब मैं आई को मारना नहीं चाहती थी साहब, गलती से बस गलती से जोर से धक्का लग गया। मैं अपना गोपाल पहले ही खो चुकी हूँ साहब, और आई मेरे दोनों बच्चों को पीट रही थी। अगर अगर मेरे उन दोनों बच्चों को भी कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, मैं कहाँ जाती साहब? बस उसी हाथापाई में आई को जोर से धक्का लग गया। और क्या करी, छोड़ आया, मैं आई को मारना नहीं चाहती। बेटा आप बताओ अंकल को। दादी हमें बहुत मारती थी, वो आई को भी मारती थी, इसलिए आई हमें बचाने आई। कामले कुछ बताया इन्होंने? सर ये भी वही कहानी बता रहे हैं जो राधा ने बोला। सच क्या है ये राधा का पति बताएगा, क्योंकि मौत उसकी माँ की हुई। चलो साहब, राधा सही बोल रही थी, वो बच्चों को बचा रही थी और आई को चोट लग गई, उसने जानबूझकर नहीं किया था ये सब तब। और क्या? और सब वो जो घर में पैसे मिले थे ना साहब, 20 से 25 हजार मिले, वो आई के पैसे थे, आई ने वो पैसे जमा करके रखे थे, और गोपाल ने वो पैसे नहीं चुराए थे साहब। इस बात को लेकर आई में और राधा में बहस हो गई। राधा बोल रही थी कि आपके पास आकर सब सच सच बता दे। कहीं तो अपनी बीवी को बचाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं साहब, उसकी तो शक्ल से मुझे नफरत है साहब, मैं उसे काहे को बचाऊंगा? सब एक नंबर की पनौती है वो औरत मेरे लिए, जब से इस घर में आई है इस घर में पनौती छा गई। सब मेरे एक्सीडेंट हो गया, मेरे पैर काम नहीं करते साहब, पर फिर भी साहब मैं उसे झूठ मूठ कर नहीं फंसाऊंगा, क्योंकि ये गलत बात है। जो सस्ता वो मैं आपको बोल दिया, सब इस घर का खर्चा वही उठाती है, मेरे बच्चों को खाना पीना सब उसी के पैसे से मिलता है साहब।
राधा के पति ने उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके समर्थन में बयान दिया था। उसने कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं किया था क्योंकि राधा उसके सारे खर्चे उठाती थी, घर चलाती थी। कई बार लोग रिश्ते अपने मतलब के लिए निभाते हैं, लेकिन क्या ऐसे रिश्तों की बुनियाद इतनी मजबूत होती है कि वो अच्छे बुरे वक्त में टिके रह सके? राधा के पति और बच्चों के बयान की वजह से राधा के ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं लगा और पुलिस से राधा को रिहा कर दिया गया। राजेश, तुमने पुलिस के सामने मेरा साथ देकर सच बोलकर मुझे बचाकर जो तूने मेरी आई को मार डाला, अब एक काम कर, मुझे भी मार डाल, तभी तुझे तसल्ली मिलेगी ना। मैंने अपने खबरियों को अलर्ट किया, उसमें से एक खबरी का फोन आया। उसने बताया कि विमला यहाँ आने से पहले किसी और बस्ती में रहती थी, तो वहाँ जो उसका पड़ोसी था उससे हमारी खबरी की बात हुई, पर उसने इस बात को कंफर्म किया। शायद उस आदमी से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये आदमी अब कहाँ रहता है? सर, ये अब भी घाटकोपर की उसी बस्ती में रहता है। इससे पूछताछ करो, जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। सर, साहब मेरा तो उन दोनों माँ बेटों से बिल्कुल नहीं जमता था, दोनों एक नंबर के चोर थे। रहने दे बेटा, बहुत चोट लगी, आज के लिए इतना ही काफी है। ए बुड्ढे, उम्र से पहले क्या ऊपर जाना है तेरे को? ज्यादा पुलिस मिस करेगा ना तो साले यहीं गाड़ दूंगा तुझे, समझा क्या? चल बेटा, आजा। वो करीब 5 साल पहले यहाँ से चली गई। उसका बेटा मरने के बाद उसने ये बस्ती छोड़ दी। क्या उसका बेटा मर चुका है? हाँ साहब। वो साहब कोई दुबई वो भी नहीं गया था? उसका बेटा मरा गया साहब, मैंने सुना था विमला का बेटा एक्सीडेंट में मारा गया था, उसके बाद ही उसने ये चोल छोड़ दी। कामले, अगर विमला का बेटा इतनी पहले मर चुका था तो विमला के पास इतना सारा पैसा कहां से आया? उसके झोपड़े में ऐशो आराम की हर चीज थी। मुझे ऐसा लगता है कि उस एरिया में हुई चोरी की घटनाओं के पीछे विमला का ही हाथ। कामले, पिछले 2 साल में उस एरिया में जितनी भी चोरियां हुई सबकी डिटेल निकालो, हमारे यहां जरूर कुछ लगेगा। हो सर। पुलिस अब भी विमला के कातिल को ढूंढ रही थी, गोपाल की मौत से भी पर्दा नहीं हटा था, और इसी बीच पुलिस के सामने कुछ ऐसी बातें आईं जो बेहद चौंका देने वाली थी। सर, उस एरिया में पिछले 2 सालों में होने वाली सभी चोरी की घटनाओं का पता किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुकानदारों के हिसाब से इन सभी चोरियों में बच्चों का हाथ है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई इन बच्चों को इकट्ठा करके चोरी और लूटपाट का गैंग चला रहा है, और शायद ये विमला भी इसी गैंग की एक सदस्य थी? सर, चोरी सिर्फ दुकानों में नहीं घरों में भी हुई थी, और कई चोरियां तो रिपोर्टेड भी नहीं है। सर, गोपाल पे भी चोरी का इल्जाम लगा था, कहीं गोपाल भी इस गैंग का मेंबर तो नहीं था? विमला ताई, वो तो बहुत अच्छी औरत थी, और बस्ती के सारे लोग अपने बच्चों को उन्हीं के पास छोड़कर काम पर जाते थे साहब। राधा, कोई भी हमें ठीक से बयान नहीं दे रहा है, अगर तुम भी हमें सपोर्ट नहीं करोगी तो हम तुम्हारे बेटे के कातिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। तुमने हमसे पहले भी छुपाया था कि तुम्हारा देवर उसी एरिया में काम करता है, इसलिए तुम जो कुछ भी जानती हो हमें बता दो। क्या तुम उन बच्चों के नाम जानती हो जो विमला के घर जाते थे? हाँ साहब। आखिरकार पुलिस ने उन बच्चों को ढूंढ लिया जो विमला के साथ चोरी में इन्वॉल्व थे, और बच्चों ने जो कहानी बताई उसने सबके होश उड़ा दिए। इधर क्या करने आई है? सुंदर, तू मेरे से शादी करना चाहता था ना? मैं करेगी तेरे से शादी, तेरे साथ यही रहेगी, बस तू मेरे साथ चल के पुलिस को सच सच बता दे कि मेरा गोपाल चोर नहीं है, उसने कोई चोरी नहीं की। तू जानता है ना कि उसको किसने मारा है? अरे मैं बोलूंगा तो ये नौकरी चली जाएगी। देख, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू मेरे साथ चल के पुलिस को सब सच सच बता देना, मेरा गोपाल चोर नहीं था, मेरा बच्चा चोर, चल के बोल दे, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। सुंदर, देखो बच्चों,
तुम सबकी उम्र अभी बहुत कम है, हमें सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो हम आप सबको रिमांड होम में भेज देंगे, और ये रिमांड होम बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है ना। तो बताओ तुम सब चोरी किया करते थे? हाँ अंकल, मैं उसे हमको सिखाती थी। मौसी ने हम लोगों को चोरी करना सिखाया। क्या हुआ साहब? गाड़ी में से मेरा सामान लेके भाग गए बच्चे। चोरी करके भाग गए? देवर देवा साहब, साहब सुनिए तो मेरी बात, मैं रोज देखती हूँ इनको यहाँ पे, बहुत बड़ा गैंग है इनका, इनका बॉस बहुत डेंजरस है। आप चिल्लाओ मत, आपका सामान कुछ गिरा क्या वहाँ पे? देखो तो वहाँ सामने। फिर हम वो सारा सामान विमला मौसी को दे देते और वो हमें पैसे देती थी। अच्छा चलो ये बताओ कि गोपाल भी तुम लोगों के साथ मिलकर चोरी करता था? नहीं अंकल, गोपाल तो पढ़ाई करता था, वो कभी हमारे साथ मिलकर चोरी नहीं करता था। ये बताओ कि तुम्हारी विमला मौसी को किसने मारा, क्या तुम लोग जानते हो? देखो बेटा आप सबसे समझदार बच्चे, आप जानते हो तो बता दो, नहीं तो हम आप सबको रिमांड होम में भेज देंगे और वहां बहुत पिटाई होती है, समझे? बोलो। ठीक है काम ले, ले चलो इन सबको रिमांड होम। चलो। नहीं अंकल, विमला मौसी को हम लोगों ने ही मारा है। तुमने मारा है? क्यों? बुरा काम हम लोग ही करते थे, पकड़े गए तो थप्पड़ भी हम खाते थे, और वो विमला मौसी पूरा सामान अपने पास रख लेती थी, हम लोगों को बहुत थोड़ा देती थी। मौसी बस इतनी, थोड़े और पैसे चाहिए। चुप कर, जितना दे रही हूँ ना उतना ले, पुलिस को बता दिया ना तो जीवन भर जेल में सड़ेगा। अरे क्या कर रहे, अरे तुम लोग इतनी हिम्मत कैसे हो? मेरे को मालूम है साहब गोपाल कैसे मरा, मैं बताता हूँ आपको। अरे सपने थे साहब उसके, बहुत अच्छा और एकदम काबिल लड़का था गोपाल, पढ़ाई में बहुत मन लगता था उसका, बोले तो एकदम किताबी कीड़ा था, हमेशा बोलता रहता था कि पढ़ लिख के कुछ बनूंगा और फिर अपनी बहन और भाई के साथ अपनी आई को इस इलाके से दूर ले जाकर रखूंगा। देखना एक दिन ये सारे जेवर खरीद कर अपनी आई के सामने रख दूंगा, उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, बहुत दिन देखे हैं। देखना एक दिन मैं उनके पूरे दिन बदल दूंगा। अरे बहुत समझाया साहब उन लोगों, मत मारो इसको, लेकिन वो लोग मेरी एक भी नहीं सुने साहब। मैंने तो गोपाल को भी बोला, बोल दे तू ही चोर है, शायद तभी ये लोग तेरे को मारना बंद कर देंगे, लेकिन वो सच्चा था ना साहब, चोर नहीं था वो। मार खाते खाते मर गया साहब, लेकिन माना नहीं कि वो चोर। भाई लोग पानी सर के ऊपर से जा चुका है, अब हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो मार्केट बंद करके धंधा छोड़ दो, या फिर खुद ही ऐसा कुछ करो कि अगली चोरी के पहले वो 100 बार सोचे। तुम सही कह रहे हो,
और अगर एक मिनट के लिए पुलिस पकड़ भी ली तो बच्चे छूट जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, दूसरी बार खुलकर चोरी करेंगे वो लोग। बिल्कुल सही कहा। तो करना क्या? अरे करना क्या, इनमें से कोई भी बच्चा दिखे तो उसे कूटो और कूटो, उनके दानी याद आ जाए उन्हें। रविंदर भाई, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। अरे ये तो वही लड़का उसी गेम का। हाँ देखो कैसा सीना ताक के चल रहा है। क्या करते साहब, रोज गुंडा को चोरी होता, बर्बाद हो जाते साहब, घर नीला होने पे आ गया था साहब। तुम लोगों की गलत फहमी की वजह से एक परिवार ने अपना छोटा सा मासूम बच्चा हमेशा के लिए खो दिया। इस केस में किसी और की गलती का हर्जाना गोपाल को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। कानून को अपने हाथ में लेना जुर्म है, और ना ही कानून को हाथ में लेकर कभी इंसाफ की उम्मीद लगाई जा सकती है। जिन दुकानदारों ने गोपाल को अपने गुस्से का शिकार बनाया, अगर वो वक्त रहते इन चोरियों के बारे में पुलिस को बता देते तो शायद आज विमला के गैंग का पर्दाफाश भी हो जाता और साथ ही गोपाल की जान भी बच जाती। अपने ऐशो आराम के लिए चुना गया कोई भी शॉर्टकट, कोई भी गलत रास्ता हमें गलत मंजिल पर ही पहुंचाता है। क्या सीधे साधे रास्ते पर चलकर एक आम जिंदगी जीना इतना मुश्किल है? अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।